हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज, आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं, और काफी हिंदू भाइयों के लिए तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, और एक दो ऐसे वीडियोज में हम ऑलरेडी रिएक्शन भी कर चुके हैं, और काफी आप लोगों ने काफी ज्यादा हमें सपोर्ट भी किया है, और बहुत लोगों ने बताया भी है कि भाई इस पे रिएक्शन करो, तो इसीलिए हम उन्हीं वीडियोज पे रिएक्शन करते हैं। तो आज जो वीडियो है जिसपे हम रिएक्शन करने वाले हैं, उसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे थे? जो हजरत ईसा थे, जो ईसा मसीह जी बोला जाता है, जो क्रिश्चियन के गॉड हैं, तो क्या वो अल्लाह के बेटे थे? इस पे एक मोहतरमा है, उन्होंने क्वेश्चन किया डॉक्टर जाकिर नायक साहब से, और उन्होंने इसको रिप्लाई किया। देख लेते हैं क्या सब है। ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमें भी इसके बारे में एक्चुअली जानना था, ईसा मसीह, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, दावा भी करते हैं। देख लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और गाइस आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन अपन स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। माइक नंबर 3 में कोई खातून हूँ तो सवाल कर सकती हैं। माइक नंबर 3 से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज एन, आई एम अ स्टूडेंट, I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said that this is my beloved son in whom I am well pleased. So who is Jesus? What is the fact about Jesus? Sister Anne. Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहि सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड। Yes. खुदा का बेटा। और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। yes. ये लफ्ज जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है। मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इज़राइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज़ वर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे। बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राहिम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे। और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जो एतराज़ है, जो ऑब्जेक्शन वी हैव इज द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मेरा फील्ड है कंपैरेटिव रिलीजन। वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहाँ लिखा है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीवेथ हिम शैल नॉट डाई बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, गॉड सोल ऑफ द वर्ल्ड दैट ही गेव इज ओनली बिगॉटन सन, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा। फॉर गॉड सोल ऑफ द वर्ल्ड दैट ही गेव इज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीव्स इन हिम शैल नॉट डाई बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ, वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है, ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज़ अ इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन, ये एक मिलावट है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा।
ये जना हुआ लफ्ज जो है ये इंटरपोलेशन है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे है, इन द राइट सेंस कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे। हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे, तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज़ है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला बेटा नहीं जनता, क्योंकि ये जो जन्ने की जो कुवत है, ये कुवत है लोअर एनिमल्स की, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स, अल्लाह सुबहाना व ताला इसके कई ऊपर है। जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1-4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह ही के, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है, ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफ्वान अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये चार लाइंस है, चार स्टेटमेंट्स है जो कुरान मजीद में खुदा को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, अल्लाह सुभान तौर को डिस्क्राइब करने के कहा गया, और ये चीज़ बाइबल में भी है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फ़र्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान ना लाए। हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुबहाना व ताला के एक भेजे हुए अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा के ज़रिए पैदा हुए बिना कोई बाप के, जो अक्सर मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम थे मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर पूछेगा तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं, और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से बिना कोई शक बिना कोई शुबा साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे बिना कोई शक बिना कोई शुबा जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मज़हब को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने गले को फांसी के बंधन में डालने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक बिना शुबा जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में कि मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं, यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सबसे बड़े हैं, लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से, लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ उस तरीके से फैसला करता हूँ, एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और मेरा फैसला हक का है, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता हूँ, जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं वो मैं कहता हूँ।
अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से मैं मेरी ज़िंदगी बसर करता हूँ, वो इंसान मुस्लिम है। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर हु हैज सेंट मी। जो आप अल्फाज मेरे सुन रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं हैं लेकिन खुदा के जिसने मुझे भेजा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, दिस लाइफ इज इटर्नल सो दैट यू मे नो द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम थाउ हैज सेंट। ये जिंदगी अमन की है, ये जिंदगी हमेशा के लिए, और आप जान लो कि खुदा एक है और ईश्वर ने, खुदा ने इस ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस व्हिच गॉड डिड बाय एंड यू आर विटनेस टू इट। इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है कि ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस, ए यहूदी लोग, ए इज़राइल के लोगों, इस बात को सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, ईसा अलैहि सलाम जो नसारा के थे एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना, अमंगस्ट यू आपके बीच, विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके जरिए निशानी दिखाए, मौजदा दिखाए, विच गॉड डिड बाय हिम, जिसे अल्लाह ने किया, एंड यू विटनेस टू इट, और आपने उसकी शहादत दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुबहाना व तआला ने चुना, मतलब वो पैगम्बर थे, और जितने भी मौजदा उनने किए वो अल्लाह ने किए उनके ज़रिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे ना कि खुदा थे। तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज द फैक्ट आई एम हियर। माशाल्लाह, तो आप मानते हैं इस्लाम मजहब में? यस, बट देन आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स। तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है? He is a prophet. माशाल्लाह, बहन मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और वो खुदा नहीं है, और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है। तो आप कन्विंस्ड है अभी? यस। और आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस। आप मानते ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? यस। आप ये मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले है, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? यस। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? यस। तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं? यस, बट आई हैवंट टोल्ड माय पेरेंट्स अबाउट दिस। मैंने कहा कि ये चीज कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालदेन से नहीं कहा है। वालदेन को कहना फ़र्ज नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है। आपके दिल में अगर ईमान है, इफ़ यू हैव फेथ इन योर हार्ट दैट इज सफिशिएंट, यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन। इफ़ यू हैव फेथ इट इज़ बिटवीन यू एंड अल्लाह, आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। बोलना फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान होगा। तो आपके वालदेन को बोलना फ़र्ज नहीं है, धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते, जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है उस वक्त बोलिए, बोलना फ़र्ज नहीं है। या एंड वन मोर थिंग, द थिंग इज दैट आई वोंट टेल माय पेरेंट्स अबाउट इट, बट आई वांट टू कम्प्लीटली बी अ मुस्लिम, सो इफ आई लाइक 20%, आई कांट गिव माय 20% टू इट, आई नीड टू गिव माय 100%, सो That's the reason I have to tell my parents. बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालदेन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूँगी तो 20% तकरीबन दे सकूँगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले। बहन 100% कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% मैं चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता, कोई गलती नहीं करता हूँ, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां करते। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज़ मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद। अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिर्क आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना ज़रूरी है जन्नत में जाने की। उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोज़ा रखें, आस्ते आस्ते। लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए, ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत
में कम से कम होना चाहिए, और धीरे धीरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते हैं अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है, ये ईमान है। और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की बात नहीं करते, ये कम से कम ज़रूरी है। इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे। तो कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई मामूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और ईसा अलैहि सलाम भी पैगंबर। आप इतना मानते? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाल्लाह, बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं नहीं। कोई भी दबाव? नो। कोई भी प्रेशर? नो। माली प्रेशर? नो। माशी प्रेशर? नो। फिजिकल प्रेशर? नो। आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं? यस। आपके दिमाग से भी? यस। आपके पूरे होशो आवाज से? यस। और आप मानते खुदा एक है? यस। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? यस। माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप इसको दोहराइए। ब्रदर, देयर इज वन मोर पर्सन हु वुड लाइक टू टेक द शहादा। ओके, इंशाल्लाह शी कैन जॉइन। बहन आपका नाम क्या है, दूसरी बहन का? मेरा नाम सुनंदा है। आपका नाम है सुनंदा? मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बौद्ध धर्म? बुद्ध से? हाँ। और आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने दिल से? हाँ। अपने दिमाग से? होशो आवाज से? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शादा दोहरा सकते। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं, और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुबहाना व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी जिंदगी इस दुनिया में दे, और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुबहाना व तआला आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को हिदायत दे, और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके खानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला बहन को जन्नत में डाले, और दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को हिदायत दे इंशाल्लाह। या स्पेशली फॉर माय फैमिली। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके खानदान वालों, आपके फैमिली मेंबर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे। थैंक यू। जज़ाकअल्लाह शुक्र। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाएंगे। बहुत बढ़िया। भीड़ तो इतनी ज्यादा थी कि बस पूछो मत, है ना, बहुत ज्यादा भीड़ संख्या में, लाखों करोड़ों लोग थे इसके अंदर, और उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था ईसा इस्लाम के बारे में। उन्होंने बताया था कि वो उनके बेटे ही है, लेकिन एक्चुअली अल्लाह बेटे नहीं जनता, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बोला था। उनकी बुक के अंदर ये सब चीजें लिखी गई है, उसमें सब कुछ क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को भी क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का रिएक्शन हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।